स्वामी जी, वर्तमान के भागा दौड़े जिंदगी में सुबह से शाम तक लोग भागा दौड़ा करते हैं, व्यापार धंधा सब में लगे रहते हैं, ये सब कार्य करते हुए हम जीवन को सुखी कैसे बनाएं, सुखमय अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, इसके विषय में हमें कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो देखो वो जो वर्तमान का समय है वास्तव में भागा दौड़ी का समय है। किसी के पास समय नहीं है, सब व्यस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, उदास हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? ध्यान करें सबसे पहले तो, और हमेशा आशावादी बनकर करें, प्राणायाम करें, कुछ एक्सरसाइज करें, माने आसन व्यायाम प्राणायाम तीनों करें, प्रातःकाल को थोड़ा भ्रमण भी करें तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आत्मा भी स्वस्थ। तो योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, आसन करें, व्यायाम करें, और कुछ स्वाध्याय सत्संग भी करें, ताकि ये संसार की समस्याओं से ग्रस्त होने पर आपको अंदर से एक शक्ति मिल सके, अंदर का आपका ज्ञान विज्ञान परिपक्व हो सके। तो एक तो ऐसा करें। दूसरा, जो व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है, व्यापार करता है, धंधा करता है, नौकरी करता है, उस सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। और एक है यश थ्योरी, इसको अपनाएं। यश थ्योरी माने क्या होता है? यस सर जी, गुरु जी, हाँ जी, कर दूंगा जी, ऐसे किसी ने कुछ काम कहा और सही कह रहा है तो उसको ना नहीं करें, हाँ कर दूंगा, अभी समय नहीं है, तो बोल दें ये काम भी कर रहा हूँ जी, इसके बाद में कर दूंगा। तो कोई सहायता मांगता है, कुछ सहयोग के लिए बोलता है, कोई काम बताता है, उसको एकदम ना नहीं करो, हाँ जी कर दूंगा जी, अभी तो व्यस्त हूँ या आज व्यस्त हूँ, कल कर दूंगा जी, ऐसे बोल सकते हैं, एकदम ना नहीं करें। हाँ, कोई गलत काम बता रहा है तो बोल दें प्रेम से, भाई ये तो मुझे गलत काम लग रहा है, मैं इसको नहीं कर सकता, क्षमा करें, ऐसे प्रेम से उसको मना करें। झगड़ा करके मना भी नहीं करना है, गुस्सा करके मना भी नहीं करना है, जो कोई भी कोई हित की बात करे उसको स्वीकार करें, और एकदम सबके साथ मधुर संबंध बना करके जीवन पथ में आगे बढ़ें, सबके सहयोग के लिए तैयार रहें, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए तैयार रहें। तो हम जो दूसरों को जितना ज़्यादा सुख देना चाहेंगे, सुखी रखेंगे, इतना ज़्यादा हम भी सुखी रहेंगे, सुख से रह पाएंगे। अगर दूसरों को दुख देंगे तो हम भी दुखी रहेंगे। तो जीवन को अगर सुखमय करना चाहते हैं तो हम पहले स्वयं दूसरों के जीवन में अशांति या दुख पैदा नहीं करें। हाँ, धर्म को धारण करते हुए चलें, जहाँ धर्म है वहाँ सुख है, जहाँ अधर्म है वहाँ दुख है। तो पाप से, अधर्म से दूर रहें, सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करें तो जीवन में सुख शांति को प्राप्त करेंगे। अधर्म से, अन्याय से, छल कपट से धन नहीं कमाएं, गरीबों को सता करके, गला काट करके धन न कमाएं। तो जो ईमानदारी का धन होता है वो सुख देता है, और उस धन से फिर हम कुछ दान भी करें, जिस धन को हम दान में परोपकार में लगाते हैं उस धन से हमको फिर सुख मिलता है, ये धर्म का अंग है। तो इस प्रकार से धर्म पूर्वक हम धंधा व्यापार नौकरी करें, ईमानदारी से करें, और ईश्वर को साथ में लेकर के काम करें, ईश्वर को भूल कर कोई काम नहीं करें, तो अधर्म से पाप से दूर रहेंगे और जीवन को सुखमय, श्रेष्ठ, महान बना पाएंगे।